हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत उड़द की दाल, जिसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ये साबुत उड़द और अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कटे टमाटर, कटी धनिया पत्ती और ये घी और मलाई। और इसको बनाने के लिए हमें ये दाल अच्छे से बीन के साफ करके 6-7 घंटे पहले हमको इसको भिगा के रखना पड़ता है धुल के। और ये जब दाल हमारी फूल जाती है तब हम इसको उबाल लेते हैं। और हमने ये दाल देखे प्रेशर कुकर में उबाल लिया है और दाल हमारी अच्छे से पक गई होगी। अब देखिए ये पक गई है दाल हमारी, अच्छी तरह से घुल गई है। और हमने इसमें नमक डालकर उबाला है। और दाल को बनाने के लिए हमने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई को हम गैस पे रखेंगे, गैस ऑन कर दिया है हमने। इसमें हम डालेंगे घी, घी हमने डाल दिया है। घी हमारा गरम हो रहा है और गरम हो चुका अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। और जीरा को हम चटकने देंगे। जब जीरा हमारा चटकने लगेगा हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। जीरा हमारा चटक गया है, ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। और कटी हुई मिर्चे अब इसमें डालेंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट, लेकिन हमारा जब ये प्याज और मिर्चे हमारे ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा चला देते हैं और प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इसको हम अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून चुका है। हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसको हम चला के इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के हम इसको मिला देंगे। और हम इसको ढक देंगे और हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा। तब हम इसको खोल के देखेंगे कि टमाटर हमारा गल चुका है या नहीं। टमाटर हमारा अब अच्छे से गल गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें पकी हुई दाल डाल देंगे। जो हमने दाल उबाल के रखी थी हम इसमें कढ़ाई में अब दाल डाल दे रहे हैं। हम दाल को डालकर अच्छे से इसको मिला देंगे, अच्छी तरह से मिला के। देखिए दाल हमारी अभी थोड़ी गाढ़ी है, हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली दाल नहीं बनाना है। ये दाल बहुत ज़्यादा पतली बनती भी नहीं है, इसको थोड़ा गाढ़ी ही रखनी है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम। इसमें हम थोड़ी सी मलाई डाल देंगे, मलाई से टेस्ट अच्छा आता है। और हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। देखिए मलाई हमारी अच्छे से मिल गई है। ये दाल बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब बनती है दोस्तों। अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे 15 मिनट पकने के लिए। देखिए दाल हमारी अच्छे तरह से पक रही है और अच्छी तरह से ये दाल हमारी जब पक जाएगी तो हम इसको, देखिए पक गई है, हम इसको खोल के अब चला देते हैं और हम इसको धनिया की पत्ती से गार्निश कर देते हैं।
हमने धनिया की पत्ती से गार्निश कर दिया है। दोस्तों हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। प्लीज़ दोस्त, अगर हमारे ये चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।